हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस 10th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट थर्ड। पार्ट टू में हमने बैलेंस इक्वेशन पढ़ा था, उसके स्टेप पढ़े थे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन को हमने पढ़ा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ा था। आज हम बैलेंस इक्वेशन कुछ एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स गो। एग्जाम्पल फर्स्ट पोटासियम वाटर एरो पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। हमें इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हमने जो पहला स्टेप, ये हम अपने उस स्टेप से भी कर सकते हैं जो हमने पार्ट टू में पढ़े थे, और हम यहाँ पे किसी कुछ अलग ही मेथड से करते हैं, कुछ ट्रिक के हिसाब से जो इसका शॉर्ट फॉर्म से करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, काउंट द नंबर ऑफ वेरियस एटम इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इट मे बी बैलेंस बाय फॉलोइंग स्टेप। अब हम स्टेप को फॉलो करेंगे, जो भी हमारे स्टेप है। पोटासियम एटम आर इक्वल ऑन बोथ साइड, नो नीड टू मल्टीप्लाई दीज। जो पोटासियम है वो दो बोथ साइड इक्वल है, इसलिए उसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेट्स बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। हमारे पास टेबल है, ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इनिशियल हम बात करते हैं H2O। इसके अंदर दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के। इधर अगर हम प्रोडक्ट में जाकर देखते हैं KOH प्लस H2, इधर हमारे तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड R2। अगर हम रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं, उधर दो हाइड्रोजन एटम हैं एंड प्रोडक्ट साइड तीन। टू मेक देम इक्वल वी मल्टीप्लाई H2O बाई 2, मेक हाइड्रोजन एटम 4। क्या करते हैं, जो वाटर हमारा H2O, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन एटम हमारे पास 4 आ जाएंगे ऑन रिएक्टेंट साइड, एंड मल्टीप्लाई KOH बाई 2 टू मेक हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। और हम KOH को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे हाइड्रोजन एटम भी कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे प्रोडक्ट साइड भी। और ये हमारे पास जो रिएक्शन है, जो हमने इसमें बैलेंस कर लिए। तो द एटम मेक हाइड्रोजन इक्वल ऑन बोथ साइड। अब जैसे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करा, तो हमारा ऑक्सीजन भी दोनों साइड इक्वल हो चुका है। कैसे, हमारे पास आ गया था अब K2O प्लस KOH प्लस H2O। अब देखो, हाइड्रोजन हमारे पास कितने के 4, बोथ साइड दोनों 4, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में भी 4 है। पोटेशियम भी हमारे 2-2 हो गए दोनों साइड, और ऑक्सीजन भी हमारे पास 2-2 हो गए, ठीक है। तो थर्ड स्टेप, नाउ मल्टीप्लाई पोटेशियम बाय 2 टू मेक 2 पोटेशियम एटम ऑन बोथ साइड। जब हमारे प्रोडक्ट में भी 2 पोटेशियम आ गए, तो हम रिएक्टेंट को भी रिएक्टेंट जो पोटेशियम, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो बैलेंस है, जो हमारी इक्वेशन है, क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। एग्जांपल नंबर हम 2 पर आ चलते हैं। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर एरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम। ये आप लोग खुद से करना है, जो स्टेप्स हमने लिखवा रखे उसके तरीके से, जैसे भी हमने स्टेप में कराया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ? एक्सप्लेन। क्या कह रहा है, जो हमारी रेस्पिरेशन है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं, एक्सप्लेन करना है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी नीड एनर्जी। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। तो हमें जो एनर्जी फूड से प्राप्त होती है, जब हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन के दौरान जो फूड होता है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन टूट जाता है। फॉर एग्जांपल, राइस ब्रेड एंड पोटैटोज सर्टेन कार्बोहाइड्रेट
ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे, राइस, ब्रेड एंड पोटैटो सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हमारे क्या कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी डी प्रोड्यूसिंग एनर्जी। अब जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी सेल में, हमारी बॉडी में सेल के साथ मिलकर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म होगा प्लस 6O2 जो हमारी गैस होगी ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर बना जाएगा 6CO2 एक्वस फॉर्म में प्लस 6H2O लिक्विड प्लस एनर्जी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिस दस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज एंड हैंस इट इज कंसिडर एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो यह रिएक्शन एक रेस्पिरेशन रिएक्शन भी है और यह रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज करती है एंड हैंस कंसिडर ऑन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन से कंसिडर करते हैं। आगे हमारे एक नोट है, ऑल कम्ब्यूसन रिएक्शन आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या कर जितनी भी हमारी कम्ब्यूसन रिएक्शन होंगी वो सारी हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑल दीज रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। सारी की सारी कम्ब्यूसन रिएक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, LPG एंड नेचुरल गैस मीथेन CH4। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कम्ब्यूशन होते हैं, सारे के सारे जलाए जाते हैं और ये सारे के सारे हीट एंड एनर्जी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड नोट्स हमारा, इवन द कम्ब्यूशन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। दस द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो फूड रेस्पिरेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर फूड का दहन होता है इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जो क्या एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और यह दस द रिएक्शन इज ऑल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो यह हमारी जो रेस्पिरेशन हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अब आगे हम चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, H2 प्लस O2 ये दोनों गैस मिलकर वाटर फॉर्म कर देते हैं एक जो कम्बिनेशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो टाइप है कम्बिनेशन के रिएक्शन का, कम्बिनेशन दोस्तों कम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ 3 कॉमन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, यानी कि दो एलिमेंट कम्बिनेशन कर एक कंपाउंड बनाते हैं। टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों हमारे क्या हो गए, दो एलिमेंट्स हो गए, दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमारे पास और भी एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये दोनों लाइट की प्रेजेंस में क्या कहते हैं एक कंपाउंड बनाते हैं HCl, 2HCl गैस, दो एलिमेंट ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया। और ये बात के एग्जांपल दे रखे आप देख रहे ना, एक यहाँ पर नोट्स दे रखा है, सोडियम क्लोराइड इज नॉन एज कॉमन साल्ट। जो सोडियम क्लोराइड है जो हम खाते हैं वो एक कॉमन साल्ट है विच वी टेकन ऑन ओवर फूड, जो हम अपने फूड में यूज करते हैं खाने के लिए। टाइप नंबर 2B, कम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। क्या कह रहा है कम्बिनेशन एलिमेंट एंड कम
अब इसमें क्या एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, वो दोनों मिलकर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों मिलकर एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एक कंपाउंड्स हो गया। कंपाउंड्स क्या होते जो मोर देन टू एलिमेंट से मिलकर, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हमारा कंपाउंड्स होता है। इसलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन अकेला तो हमारा एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड होगा एक एलिमेंट होगा, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं एक न्यू कंपाउंड्स बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देंगे। तीसरा जो टाइप है सी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। अब के दो कंपाउंड्स मिलकर एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों कंपाउंड दोनों दो दो एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं और ये बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी इसने एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी। ऐसे एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्यों क्लाइम बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जिसको हम स्लैक लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना की फॉर्मेशन कर देते हैं। अगले जो हमारे सेकंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये हम इससे पहले पढ़ी थी कम्बिनेशन, अपन ने डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक डाउन होना टूटना, व्हेन ए कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, यानी कि जब एक कंपाउंड टूटता है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में आना होना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। वो यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, तो दीज रिएक्शन जनरली टेक प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैटलिस्ट, यानी कि जो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन इसमें जनरली हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, चाहे वो हीट फॉर्म में हो चाहे वो लाइट फॉर्म में हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो या फिर कैटालिस्ट हो। दूसरा पॉइंट है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिजर्व ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो रिवर्स जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है रिवर्स होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी के थ्री टाइप्स है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि जब हीट की प्रेजेंस में होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड कैन अकर बाय हीट जब ये हीट की प्रेजेंस में होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ सनलाइट यानी कि इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी कि अकर विद सनलाइट, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो हीट की प्रेजेंस में होगी उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, अकर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ओ ए सब्सटेंस। जैसे कि हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड, हम इसे सन जैसे हम लाइट में लाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस हम इसे रिएक्शन करा होती हैं तो सिल्वर प्लस में ब्रोमाइड फॉर्म करती है। जो रिएक्शन है हमारी सिल्वर ब्रोमाइड हम जो रिएक्शन के सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड में ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है सनलाइट की प्रेजेंस में फॉर्म करती है सिल्वर प्लस में ब्रोमीन। तो जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। और जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं मरकरी ऑक्साइड, अब हमने इसे जो त्रिभुज का साइन बन रहा जो त्रिभुज का साइन होता है हीट का सिंबल्स होता है, यानी कि रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो ये हमारी क्या कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट डिकम्पोजिशन, ये भी हमारी थर्मल हीट की प्रेजेंस में, ये भी हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो हमारी ये तीनों रिएक्शन क्या कहलाएंगी थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर हीट डिकम्पोजिशन। ये हमारे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है कैटालिस्ट डिकम्पोजिशन कहलाएगी, ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, मीथेन को जब हम कैटालिस्ट प्रेजेंस में कराते हैं तो कार्बन प्लस में H2O में टूट जाती है। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है, तो जैसे हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में आ जाती है। अब रिएक्शन नंबर थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा और डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आयरन सॉलिड है और कॉपर ऑक्साइड हमारे एक एक्वा सॉल्यूशन है, आयरन प्लस में
आयरन प्लस कॉपर ऑक्साइड एक्वासोम में, तो आयरन क्या करेगा कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे जिंक सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट है, जिंक भी क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। जो जिंक हुआ, लेड हुआ, आयरन हुआ, ये सारे के सारे कॉपर से क्या होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं। आगे मैं अगले जो फोर्थ पार्ट बनाऊंगा उसमें इसके एक जो एलिमेंट्स की जो सीरीज टेबल डाल दूंगा उसके अंदर, या मैं इसी टेबल के लास्ट में डाल दूंगा, देख लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें न्यू जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो म्यूचुअली एक्सचेंज होता है आयन्स का उनके बीच में, दोनों कंपाउंड बीच में, उसमें क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स है, सोडियम सल्फेट प्लस में बैरियम क्लोराइड, एरोगोसाइन, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, अब ये दोनों क्या करते हैं, जो बैरियम और जो सोडियम होंगे ये दोनों आयन एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, दोनों म्यूचुअल आयन एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जो वाइट प्रेसिपिटेशन होता है बैरियम सल्फेट का, वो फॉर्म करता है, जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा कॉपर सल्फेट का, उसको हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारी क्या हुई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, ये जो बैरियम ये हमारी क्या है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर आल्सो क्लासिफाइड एज पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन ये ले लें, कॉपर सल्फेट एक्वासोम होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। यहाँ भी देख लो, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों में। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे हम, उसमें हम कुछ बेसिक्स बातें हम करेंगे इसके बारे में कुछ, जैसे हमने लेस रिएक्टिव सीरीज, हाई रिएक्टिव सीरीज क्या है, होमो सीरीज डालनी है, ठीक है, और भी इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको और भी कुछ लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे क्या होगा जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो इस पर डालूँगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।